और हैप्पीनेस के हम पीछे भाग रहे हैं। यू मस्ट हैव सीन वीडियो और न्यूज़ जहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाला बंदा बैंगलोर में ऑटो चला रहा है। हैव यू कम अक्रॉस दैट न्यूज़? यस, ड्यू टू लोनलीनेस। सो वी आर काइंड ऑफ यू नो गोइंग थ्रू अ स्क्रिप्ट। 10वीं में थे, बोला गया होगा बेटा 10वीं में अच्छे नंबर आएंगे फिर जिंदगी में बाहर आएंगे, तुम्हारे फूल खिलेंगे। फिर ऐसा हुआ नहीं, गए स्कूल में, इंटर में बोला गया होगा +2 में कि बेटा अभी जो परसेंटेज आने वाले ना दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फेट, द काइंड ऑफ कॉलेज यू आर गेटिंग इनटू। तो फिर आपको लगा हाँ अब तो बाहर आने वाली है, फिर किसी कॉलेज में पहुंचे होगे, किसी कोर्स में पहुंचे होगे और वहां भी फर्स्ट 6 मंथ्स में लगा होगा अब तो बाहर आके रहेगी 3 साल बाद, 4 साल बाद, बट वो नहीं आती हुई दिख रही है। सर नो, अभी अनसर्टेनिटी की बात कही है आपने। तो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं खुशी कहाँ छुपी बैठी है। जब वहां पहुंचना भाग जाती, बाहर आने वाली थी वो चली गई। अभी आपको होगा क्या कि वंस वी गेट इनटू अ जॉब विद अ डिसेंट सैलरी एंड देन दे आर गोइंग टू बी हैप्पी, अ गुड फेस। देयर वाज अ सर्वे ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स दैट सेज दैट 42.5% पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स एट टॉप लेवल आर गोइंग थ्रू सीवियर डिप्रेशन। Delhi topped the chart followed by Bangalore and Mumbai, and this survey was conducted in 7 metro cities. This is not a small number, it is 42.5%. And we are talking about the top brass of leadership means what? They are drawing handsome salary, they are driving swanky cars, they are living in great apartments, they are working in plush offices. Everything is fantastic from outside perspective, but still they are suffering their success. Then सर आप तो सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल और गहरा कर रहे हैं, भविष्य हमारा दिखा रहे हो, बिकॉज आप इस स्क्रिप्ट में आधे तक पहुंचे हो, अभी आगे और भी स्क्रिप्ट है। बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ अस जॉब इज लाइक जूस ऑफ ब्लड। हाँ या ना? पूरा जो उसी के ऊपर होता है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बिकॉज 5 दिन चूस लिया जूस, अभी सैटरडे आया है, पार्टी करेंगे फिर क्योंकि मंडे को जाना है। तो इसी के लिए सारा कुछ कर रहे हैं क्या? जॉब कुड बी योर जॉय ऑफ बीइंग एज वेल, या जूस ऑफ ब्लड, बट ज़्यादा लोगों के लिए रियलिटी क्या है कि वो जूस ऑफ ब्लड ही। अब लगा कि यार अब तो खून चूस रहा बॉस, वही जितने सारे जोक्स हैं। फिर कोई ज्ञान देगा बेटा अब समय आ चुका है, अब 2 हो जाओ, एक से शादी कर लो तो जिंदगी में बाहर आगे रहेगी। और इस चक्कर में शादी करी कि नहीं अब तो आएगी बाहर, तो बिल्कुल नहीं आएगी। उसके बाद अभी जो रिलेटिव वाली बात कह रहे थे, फिर लोग कहेंगे बेटा एक नन्हा मुन्ना ले आओ घर में, किलकारियां गूंजेंगी तब जाके तुम्हारे संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि पति पत्नी में अब टकरार हो रही है। अब नन्हा मुन्ना भी आ जाएगा और फिर वो कहेंगे बेटा देखो हमसे तो ना हो पाया, हमारे कुलदीपक चिराग, हमारी गुड़िया एंजल, अब तुम पैदा हुई हो, हमारे सपने तुम पूरा करोगी। बात समझ आ रही है नहीं? यही तो है स्क्रिप्ट। और फिर वो बच्चा जा करके कोटा में सुसाइड भी करेगा, और बच्चा ही नहीं करेगा, वो IAS और IPS भी हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा इस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है, और इसका जवाब हमारी ज़िंदगी में छुपा है। ऐसा नहीं कि कुछ नया लेके आना है हमें। इट्स नॉट लाइक लर्निंग समथिंग न्यू। जिन क्वालिटीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं, मतलब ऐसे लगता है ना कि पूरा सिस्टम एक चक्र चला रहा था कि बेटा तेरे पास हैप्पीनेस भी थी, तू बच्चा था, पूरा जॉयफुल होता था, कुछ सोचता भी नहीं था कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं नहीं पहने, लोग जज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बच्चा रोता है तो भी पूरी इंटेंसिटी के साथ रोता है, और अभी उसके आंसू ढल के नहीं होते, उसकी हंसी में भी उतनी इंटेंसिटी होती है। सर नो? और हमारी छोटी सी जिंदगी में, अभी उम्र छोटी है आपकी, बट अंदर से दर्द है और बाहर बहुत जगह दांत दिखाना पड़ता है। सर नो? यस सर। ऐसी नहीं कि बड़ी लंबी जिंदगी होगी। एंड ऑल दीज स्टैटिस्टिक्स आर रियली अलार्मिंग। वेन लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज यू नो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं मोर देन 15-20,000। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। तो अभी आप बीच मझदार में थे रास्ते के, मैंने थोड़े आगे की पिक्चर दिखा दी है, तो अब सवाल तो काफ़ी एहसास हो गया। जब आपकी तरफ चलते हैं, अभी आपकी जो प्रेसिडेंट मैम है कहाँ गई? यहीं पे थी आप? हाँ, तो शी वॉज टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट कि मोमेंट में रहना है। जैसे अभी आप लोगों ने एनर्जाइजर किया, उस समय हमें कुछ एहसास नहीं था, गाना चल रहा है, पूरी तरीके से आप अपने आप को लेट आउट कर रहे हो। क्योंकि जो पूरी ट्रेनिंग है बचपन से ना, वो मीन्स वर्सेस एंड वाली, एंड मीन्स वर्सेस एंड इज द गुड टॉपिक फॉर ग्रुप डिस्कशन एज वेल इन योर कैट एंड GMAT डिस्कशंस एज वेल। व्हाट इज द मीन्स वर्सेस एंड, यू डू नो। तो हमें यही बताया गया कि बेटा ये वाला कोर्स करोगे तो जिंदगी में ये बाहर आएगी। हाँ या ना? तो लगातार मीन्स और एंड के बीच में गैप क्रिएट किया गया है, और जैसे ही मीन्स और एंड के बीच में गैप आएगा यू विल नॉट बी एबल टू लिव इन दैट मोमेंट बिकॉज योर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड दैट्स वेयर दैट साइंटिफिक कपलेट लाइक कर्मण्ये वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन कम्स इनटू पिक्चर। कई बार ऐसे बड़े सरफेस लेवल पे समझ आता है कि जब कहते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो तो लगता है बेवकूफ है, क्या ही क्या कह रहे हैं, आदमी कर्म करता किसके लिए, फल के लिए। बट व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, व्हाइल यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एंड एट दैट टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, you are not giving 100% of yourself, yes or no? And if I'm not giving my 100%, how can I think that I will get 100% result? That's not possible. तो कुछ सवाल का जवाब मिला कि नहीं मिला अभी, या ज़्यादा ही सोचने लग गए? You are a great organization, you know, student-run organization. You people do lots of brainstorming. I really appreciate that, and that's why I have started my talk on this note. Because you are going to operate globally, yes or no, in the coming days. So whatever you are thinking, that's called, if we talk of technical terminology, today there is a course called design thinking, yes or no, and it's one of the highest sought after courses. So I'm talking about that aspect only. कुछ और सवाल? ये तो शांति आ गई बिल्कुल। सर आप तो हमें सोचने पे मजबूर कर दिए। हाँ जी, कुछ सवाल हैं और? Yes. Yes, please. Besides now, your presentation, the toxic world happening. Most of the people around the world don't actually experience it. Yes. They also say that they have the expectation of how everyone has it. Absolutely. Everybody is entitled to have, yes. Exactly. So how can we believe that the person is just experiencing happiness that I am deep? क्या बना वो हैप्पीनेस कभी किसी को नहीं मिली एंड इट्स अनरियल ये जीवन में यस लाइक अ पॉसिबल थिंग एंड इट्स पॉसिबल वी डू व्हाट लेट्स से हमने वर्ल्ड में बना दिया विद ऑल दीस थिंग्स इट डज नॉट अलाउ अस इन माय फ्यू लाइफ ओके यू आर देन द लॉसेस योर क्रिएटिव नेचर सिंपल द ऑप्शन दैट यू गेट हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन योर हैप्पीनेस दैट इज हाउ द सैटिस्फैक्शन व्हिच कम्स आउट ऑफ स्वीट सिंपल द ट्रेफिनेंट थिंग फॉर व्हिच नो पे ओके तो हु इज गोइंग टू डिसाइड दैट Sure. Who is going to decide that for what we are built? Okay, I got your question. Let me explain this. Thank you. कुछ और कहना है आपको? हाँ. So, happiness that Okay. Something like love also. अच्छा, love is an illusion. You have arrived to this conclusion. Excellent. You have touched the right chord. Yes. मैं उसमें भी आता हूँ अभी. I don't want to, you know, I'm the point. Okay, okay, okay. It can be and it was okay. Others specifically take to extreme something that they most associate with it, but that's what is that even if it doesn't exist, but chase like something that keeps us away already. Even if we okay, and the second point in is it living in the moment. Carpe diem and seize the day or these sounds. They has comes. They somehow even consider us in tech. This is not we know big. Make example like the cycle speed. There's this documentary by social and it was social that some very slight put up. Okay. But over my YouTube and the things in that documentary was from Facebook on Microsoft. They were the data side and data and behind this corporation so we work on it. I'm just saying we were focused on our job and what we have developed how we fared. Okay. We were living in the home and doing our jobs. So लेकिन we never saw the big picture. Big picture as we always see my house. Always we see my whose portrait. It's like observable and it has absolutely live in the moment. Absolutely. Yeah, created a devil which most of the people are not even aware of. She has lies, subconscious, because they can speed their mind and they go like absolutely continuously scroll the way our subconscious mind is thinking. We don't point for these and things. These kind of things also happen when we speak about carpe diem, living in the moment, all these things. We don't see the other picture of it. Let me elaborate on that. Thank you. Thank you for your inputs. Thank you for inputs. Great. So, there are two terms. One is construction and the second one is creation. Humans are construction or creation? What do you think? Creation. Creation. And that's why we want to create our own reality. इसीलिए ना वो अंदर से आवाज आती रहती है कुछ बढ़ने की। लाइक ही सेड, बहुत ऑब्जेक्टिवली उन्होंने बात करी कि ऐसा लग रहा है कि भाई कॉर्पोरेट हेड जो है मेरा, उसने मेरी रोल को डिफाइन कर दिया है, केआरएस पता है मुझे, मैं उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। यस और नो? सो लाइक कंपनीज के भी डेटा में लिखा होता है ना वो विजन एंड मिशन, सो व्हाट इज द डिफरेंस? विजन इज डेफिनेटली योर फार साइटेडनेस एंड मिशन दैट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट। सो समवन हु इज द लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट पर्सन हैज टू हैव विजन एंड मिशन बोथ। लाइक इफ यू आर जस्ट हैविंग ड्रीम्स, सपने हैं मन में, तो वो तो विजन है, वो हर किसी का होता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बट हाउ टू एग्जीक्यूट दैट, वहां पे ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। जैसे आप लोग एक स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन हो और इतनी सारी चीजें ऑपरेट करते हो, तो उसमें बहुत ऑब्जेक्टिविटी भी चाहिए, और फिर जिनका रोल है उनको दूर भी देखना होता है, फॉर साइटेडनेस भी चाहिए। तो दोनों का अगर मिक्स बैलेंस है ना, देन यू कैन लीड योर लाइफ। इफ यू आर जस्ट ऑब्जेक्टिव, लाइक पीपल कमिंग आउट ऑफ IITs एंड IIMs, they are very objectively focused and they have been given an assignment or a job or a role and they are pretty good in doing that, but they are not able to see the long picture, and there could be the possibility someone who's kind of employing them does not have even a formal degree. Yes or no? Right. Aap dekho abhi entrepreneurs ki force dekho, most of the entrepreneurs are hardly graduate or just graduates. OYO rooms, what is the full form of OYO? On your own. The guy is, what's the name of the guy? Ritesh Agarwal. You do know his story, yes or no? You do know the story of PTM, Mr. Sharma, Vijay Shekhar Sharma. He's just a B.Tech graduate and comes from a village background, Hindi medium, वो टाट पट्टी बिठा करके पढ़ाई करी थी उन्होंने, अलग अलग वो बिठा करके ना, मतलब वो अपने बारे में बताया उन्होंने, और इंग्लिश बहुत वीक थी उनकी। और जब उनके साथ के लोग कैट और GMAT की प्रिपरेशन कर रहे थे लास्ट ईयर में, तो उन्होंने अपने आप से वादा किया कि मैं आपको नौकरियों पर रखूंगा, एंड दैट हैपेंड एक्चुअली। सो हमें अभी पीछे जा करके बाहर के लोगों के एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी इंडियन एग्जाम्पल्स। और इस समय की जो स्टार्टअप वेव चल रही है, इफ यू हैव द एबिलिटी टू सी द थिंग्स एज द थिंग्स आर, रादर दैन जैसा आपको देखने के लिए बताया जाता है। मैं उसी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा था। आप जरा चॉकलेट्स के ऐड देखो, अभी पीछे ऐड आया था ना वो कैडबरी का, जहाँ पे लड़की क्रिकेट खेल रही है और सरदार जी कूद के आते हैं, देखा था? नहीं, वो 20 साल पुराना ऐड है, जहां पे एक लड़का खेल रहा है और कन्या कूद के आती है प्यार में। ये रोल रिवर्सल दिखा रहे हैं वो। लेकिन आप बहुत सटल तरीके से देखो कि चॉकलेट जो सिर्फ बच्चों तक सीमित थी, उसको कितने प्यारे तरीके से उन्होंने अडल्ट ऑडियंस में डाल दिया। और फिर आप ये जो 7 days का एक सप्ताह आता है हमारा फरवरी में, हाँ, फिर इतना बड़ा चॉकलेट मुझे मिला, ये वाला टेडी, ये ऐसा वैसा, और जो ऐड भी बनाएंगे बिल्कुल वो चॉकलेट पिघलती हुई लिप से, यू नो, नीचे आ रही है, क्लोजअप शॉट है लड़का लड़की का, आपको पूरी एकदम सेंसुअल ऐड बनाते हैं वो। और उसके बाद अमिताभ बच्चन साहब कुछ 15 साल पहले उन्होंने कह दिया था कुछ मीठा हो जाए, तो बहुत ही प्यारे तरीके से जो चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए बनी थी, उसको उन्होंने पूरे डेमोग्राफी तक पहुंचा दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफी, जियोग्राफी एंड साइकोग्राफी, बिकॉज यू पीपल आर ऑपरेटिंग ग्लोबली। मैं फिर से वो वाले जो पॉइंट पे बात कर रहे थे हम, क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन, तो ये जरूर मान के चलें कि हम कंस्ट्रक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी जो एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है वही लाइफ आपको लीड करनी। मैंने स्क्रिप्ट आपको बता दी, बहुत दर्दनाक होता है वो, यस और नो? और वो आपके आसपास है, हमारे परिवारों में, हमारे माता पिता भी कुछ उसी तरह का जीवन जी रहे हैं। वो सुरेंद्र शर्मा साहब एक बहुत अच्छे कमेडियन, उन्होंने कहा था ना कि पति पत्नी साथ इसलिए चलते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो बीच में, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन की पटरी में जो होता है बीच में, व्हाट इज दैट वर्ड? आई एम जस्ट फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ दैट वर्ड्स। फाटक? फाटक नहीं, अरे दो पटरियों को जोड़ते हैं वो स्लैब जो भी होता है वो, क्रॉसिंग, नॉट द क्रॉसिंग, लाइक ये 2 रेल पटरीज और बीच में जो स्लैब्स होती है, नॉट द पिलर्स। भाई ये हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल पटरिया जा रही, बीच में स्लैब्स ही होते हैं। हाँ, रेलवे टाइल्स। ओके, आप समझ तो गए ना क्या कह रहा हूं मैं? तो वही कह रहे हैं कि ये दोनों पति पत्नी कभी मिलते नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं उसकी वजह से साथ चल रहे हैं। तो वो जो भाई हैप्पीनेस की बात कर रहे थे भाई अभी, वो बिल्कुल वो फिर इल्यूजन ही लगेगा, फिर लगेगा फिर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इसका उल्टा अर्थ भी आप निकाल सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि सर क्या फिर स्क्रिप्ट नहीं जीनी है? नहीं, बिल्कुल जीनी है, बट विद अवेयरनेस कि आप क्या कर रहे हो। अब आ जाते हैं वो लव वाले मुद्दे पे, वो बड़ा बहुत बड़ा चक्कर है वो भी। आजकल तो बहुत कम उम्र में बहुत सारे मैचअप, पैचअप और ब्रेकअप हो जाते हैं, राइट? तो इसमें क्या चल रहा है, क्या है, कुछ एक्सपीरियंस बताएंगे आप? जनजीज, यस, Yes. How is the experience of love? हाँ, it may be illusion. क्यों लगा था illusion भाई? बिल्कुल 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 एक्सपीरियंस करके रोलो फिर नहीं and my responsibility to guide down there. Okay. So there is a flow chart. Let me tell you, आप थोड़ा उसको logically relate करोगे. सबसे पहले क्या जाता है किसी के ऊपर attention, attention के बाद होती है attraction, attraction के बाद होती है attachment. अरे मैसेज नहीं आया, गुड नाइट नहीं आया, GNTC नहीं लिखा उन्होंने, तो attention, attraction, attachment, attachment के बाद addiction हो जाती है, लत लग गई. अभी हम डांस भी कर रहे थे कुछ ऐसा नहीं, लिप्स लत लग गई वाला कुछ था, लत लग गई. सो अटेंशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एडिक्शन. एडिक्शन लीड्स टू व्हाट? स्लेवरी. एंड स्लेवरी लीड्स टू सफरिंग. तो आप वाले प्यार में अगर सफरिंग है तो ये कोई आश्चर्य की बात लग रही है क्या? नहीं, यही तो है ना फ्लो चार्ट. आंखें चार हुई, वो 90s की फिल्मों में दिखाते थे, अजय देवगन एंड ऑल. कॉलेज में मिलेंगे हीरो हीरोइन, टकराएंगे, किताबें गिरेंगी, उठाने में नैना चार होंगे, फिर प्यार होगा और फिर पता लगेगा तुम तो चौधरी साहब हो, ठाकुर साहब हो, हमारे तो खानदानी दुश्मनी है, प्यार हो नहीं सकता. यस और नो. और हर 15-20 मिनट के बाद एक गाना जहाँ पे पीटी काइंड ऑफ सॉन्ग हो रहा है, लाल पीले कपड़े पहन के, और लास्ट में जस्ट मैरिड करा के बाहर. सो दैट वॉज अ व्हाट वी कॉल स्टीरियोटाइप फॉर्मूला सिनेमा. एंड आई डू रिमेंबर आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू वन ऑफ कैंडिडेट्स हु क्लियर्ड कैट एग्जामिनेशन नॉट विद अ गुड परसेंटाइल. She just scored 82. I am talking about 2016. जब मुझे पूरा इंटरव्यू करके पता लग गया कि इसके लिए दिल के किसी कोने में मैनेजमेंट के लिए प्यार और इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा लास्ट सवाल यही था. मैंने कहा मैडम, इफ आई कुड आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ चेंज यू हैव विटनेस्ड इन द इंडियन सिनेमा इन द कोर्स ऑफ लास्ट 15 ईयर्स, एंड इफ यू कैन टेक द नेम्स ऑफ सम डायरेक्टर्स एंड मूवीज व्हाट यू फील हैव प्लेड अ पिवटल रोल इन दिस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आई वुड डेफिनेटली अप्रिशिएट. शी स्टार्टेड बाई सेइंग डायरेक्टर का नाम नहीं पता सर. मैंने कहा कोई बात नहीं. फिल्मों के नाम उन्होंने लिए रागिनी, MMS2 एंड हेट स्टोरी. एंड आफ्टर दैट शी काइंड ऑफ समराइज दैट आई डू फील दैट फिल्म मेकिंग हैज गॉन एब्सोल्युटली नेगेटिव. द काइंड ऑफ मूवीज दे आर मेकिंग, वी कैन नॉट वॉच दोज मूवीज विद फैमिली मेंबर्स, दिस एंड दैट. ये उनका जवाब था. समवन हु वाज एन इंजीनियर एंड हु प्रिपेयर्ड फॉर कैट एग्जामिनेशन, नॉट शी गॉट डिडंट गॉट गेट अ गुड परसेंटाइल 82, बट ठीक है, डिसेंट है वो. लेकिन ये जवाब क्या बता रहा है? ये जवाब क्या बता रहा है? आपको क्या लगता है इंटरव्यूज में हम जो भी कुछ बोलते हैं वो हमारा ही परिचय होता है? इन द सेम टाइम देयर वाज अ मूवी विद द नेम मर्दानी एंड देन द मैरी कॉम. वो भी फिल्मों के नाम वो ले सकती थी ना, बट होता क्या है कि हम वही एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमें अट्रैक्ट करता है. गॉट दिस पॉइंट? एक्सट्रैक्ट वही करते हैं, निकालोगे वही अपने खजाने से जो तुम्हें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. She could have started her answer with the movie Lagan of Aamir Khan in year 2000, where a mainstream actor like Aamir Khan took that much guts and played a role of a rustic in a period drama. Otherwise उस समय इतनी मेहनत हिम्मत करना बड़ी बात होती थी. और in the same year 22-year-old Farhan Akhtar came with the movie Dil Chahta Hai. That was a different cinema altogether. लग रहा था कि relatable बात है. वो इम्तियाज अली का नाम ले सकती थी. If we look at the इम्तियाज अली cinema like Jab We Met, सोचा न था, एंड देन तमाशा एंड देन रॉक स्टार. व्हाट इज द कॉमन थीम अक्रॉस ऑल हिज मूवीज? जर्नी. एंड जर्नी इज लिटरल एज वेल एज मेटाफोरिकली एज वेल, लाइक द इमोशनल जर्नी. इन द फर्स्ट हाफ ऑफ जब वी मेट, करीना कपूर इज अप, शाहिद इज डाउन. इन द सेकेंड हाफ शाहिद इज अप, करीना इज डाउन. तमाशा तो पूरी, हम जिस तमाशे की बात करें तो वही तो था तमाशा. अभी जिंदगी तमाशा ही है. सुबह उठे, कस के जूता, कस के बेल्ट, कोई काम पे जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, जा ही रहे हैं बस, बिकॉज वी आर बाउंड टू डू दैट. क्या कर सकते हैं? और उसके पहले उन्होंने और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए थे, लेकिन ये मैं केस स्टडी के तौर पे क्लासेस में लेता था कि आपको ये बात समझनी है कि जो भी कुछ आप देख रहे हो उसको आप होलसम मैनर में देख पाते हो या नहीं देख पाते हो. एंड इट्स नॉट अबाउट एकेडमिक क्वेश्चंस ऑल द टाइम, लाइक व्हाट आर योर व्यूज अबाउट एनी टॉपिक दैट सिंपली रिफ्लेक्ट्स दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर. how much informed you are, what kind of relevant information you have in your mind, particularly at that moment. These things play a crucial role, जो बहुत कुछ आपके बारे में बताता है. तो लव वाला मुद्दा तो अटक गया, वो स्क्रिप्ट तो समझ आ गई ना, फ्लो चार्ट. देन व्हाट्स द वे आउट? अटेंशन, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, एडिक्शन, स्लेवरी, सफरिंग, सॉरो. देखो अटेंशन, ये लव और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट, इसको हमने मिसकंस्ट्रू किया हुआ है. थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं. ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं. लव गिव्स एब्सोल्यूट फ्रीडम. हमारे यहाँ लव एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है. जैसे ही प्यार हुआ वैसे ही फिर कस्टमाइजेशन शुरू हो जाता है, और थोड़े समय के बाद अब तो तुम बिल्कुल वैसे नहीं रहे जैसे मिले थे. कितना बैड है भाई. जिंदा आदमी हूँ, वैसे ही कैसे रहूंगा? वैसे रहूंगा, डेड ही रहता वैसे तो. इफ यू आर जिंदा हो तो पता तो लगना चाहिए कि जिंदा हो तुम. तो तुम भी सड़ रहे हो, साथ वाला भी सड़े, फिर तो रुका हुआ पानी सड़ता ही है. मानी कि हीरोइन भी कहती थी सजना है मुझे सजना के लिए, और मॉडर्न भी करीना कपूर कह रही है, कौन सा गाना था उसका, तंदूरी मुर्गी हो यार, वो भी कह रही है वो. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीडी का. मैंने कई बार केस स्टडीज में भी ये बताया है दैट कमोडिफिकेशन ऑफ वेमेन इन एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड. अगर मैं ये आपको टॉपिक दूं, आप जीडी करके आए हो, कमोडिफिकेशन ऑफ वेमेन इन एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड. हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक? देयर कुड बी कीवर्ड एनालिसिस, यस और नो. क्या बैनिंग किसी चीज का इलाज है? क्या बैन करके आप उसको रोक लेते हैं? नहीं. कानून बनाया था 60s में सोने के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, स्मगलिंग शुरू हो गई. फिर 70s की फिल्मों में देखो, मोना डार्लिंग सोना कहाँ है. तो बैन करके क्या ही रोक लोगे आप? क्या वो बच्ची जो Tier 3 से आ रही है दिल्ली बॉम्बे में करियर बनाने के लिए एक मॉडल के तौर पे, उसका रोजगार कैसे चलेगा? कमोडिफिकेशन ऑफ वेमेन. आप कमोडिटी, तो आप खुद भी तो कमोडिटी बन रहे हो. आप क्यों सामान बन रहे हो जब आप एक इंसान हो? तो ये हमारे भाई साहब जो स्टॉक टेक इंडिया के जज हैं, उनका जो वेबसाइट है, क्या नाम है, जीवनसाथी.com, शादी.com, जो भी है, ऐसे बहुत सारे हैं. जीवन साथी के तो बहुत सारे हो गए होंगे. तो वहाँ क्या सामान नहीं बनाया जाता? लड़के को भी और लड़की को भी. लड़का भी 7 डिजिट हस्बैंड चाहिए, 8 डिजिट हस्बैंड चाहिए, हैं, डिजिट समझ रहे हो ना, सैलरी कितनी आ रही है, पैकेज. लड़की भी गृह कार्य दक्ष, सुंदर, इतनी लंबाई, ये रंग. तो पूरा तंत्र, जो भाई साहब हमारे कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि तंत्र ही ऐसा, जब आप सोचने बैठते हो ना तो हिल जाता बंदा कि ये चल ही क्या रहा है. गाड़ी खरीदने जा रहे हो क्या कि नहीं, इस कलर की चाहिए, ये BHP चाहिए, ये टॉर्क चाहिए. तुमने एक इंडिविजुअल को सामान बना दिया, एक इंसान को, तो फिर वो सामान ही रहेगा, और लगातार इस कोशिश में भी रहेगा कि मेरा सामान कैसे चमकता रहे. तो हम लिपापोती कर रहे हैं. वो फेयर एंड लवली का पुराना ऐड था, आई थिंक पूजा हेगड़े उसमें मॉडल थी. वो पिताजी को कहती थी कि मुझे 3 साल का मौका दीजिए पिताजी, मैं क्रीम लगा रही हूँ, एक बार करियर बन जाएगा फिर शादी की बात होगी. अब पता नहीं आपको याद होगा ना, जाके देखना इंटरनेट पे, देखा है. ये हाल है. एक और चीज भी है, अभी भी द न्यू पैराग्राफ एड्स, अ वुमन टर्न्स फ्रॉम चारकोल ग्रे टू शामिल गोल्ड कलर. हां, यस, 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 दैट वर्क्स. और सिर्फ वहीं तक नहीं, मर्दों की टफ स्किन के लिए इमामी फेयर एंड हैंडसम, ये भी तो है. नो, दैट्स ऑल फाइन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कौन सा गान है, कौन सा आ गया, बट द पॉइंट इज कि वो कैसे बनाते हैं ऐड, वो दैट्स द पॉइंट ना. और मैंने अभी जो बोला वो मिस हो गया ना, मर्दों की टफ स्किन के लिए. उनको लगा कि अपनी लड़कियों को क्यों चमकाना है, मर्दों की टफ स्किन के लिए भी फेयर एंड हैंडसम चाहिए. तो मार्केट फोर्सेस लगातार इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि आपको ये एहसास होते रहे कि आप अधूरे हो, अपूर्ण हो, नकारा हो, नालायक हो. बस हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, हमारा ये सर्विस ले लो, जिंदगी में चमकार आ जाएगी. यस और नो? बस. तो आप लोग यंग माइंड्स हैं, बहुत कुछ काम आगे जीवन में करना है, इसीलिए मैंने ये बातें थोड़ी शेयर की हैं कि इन चीज़ों का हम थोड़ा ध्यान रखें. और वो जो कंस्ट्रक्शन और क्रिएशन वाली बात है उसको भी समझिएगा. किसी मोल्ड में सेट होने की कोशिश ना करिएगा, वो कंस्ट्रक्शन होती है. हम सब क्रिएशन है. 2 कोशिकाएं मिली थी, 9 महीने वूम में निकले रही, हम सब बाहर आए, और जब पैदा हुए तो फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. घर कंस्ट्रक्ट होता है, इंसान कंस्ट्रक्ट नहीं होता. घर जिस दिन बनता है उसी दिन से उसका डिटेरियोरेशन शुरू हो जाता है, चाहे हमारी आंखें उसको पकड़ पाएँ या ना पकड़ पाएँ. और वी ऑल आर WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. मैं हूं, आप हूं, जो जहां रुका वहीं पे काम उसका खत्म है. और जो बच्चे वाली बात है ना, कहते दिल तो बच्चा है जी, 60 साल में, 65 साल में दिल तो बच्चा है जी, आप ग्रो करोगे. आप मेट्रोज में देखो, बहुत सारे एल्डरली पीपल दे आर 65-70 वो moneycontrol.com देख रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और वहीं 20 साल का बच्चा देख रहा है ओटीटी का बिग बॉस किनारे खड़े होके। अब ये हालात देखो, वो जो 70 ईयर्स ओल्ड 65 ईयर्स ओल्ड है वो ये कह सकते हैं कि यार ये मेरे जमाने की चीज़ नहीं है, हटाओ ये फ़ोन। ही इज़ रेडी टू लर्न, बट इसके पास है वही जो हमने शुरू में बात की, बिकॉज वी आर फ्लडेड विद इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे बहने का खतरा बहुत है। उसको पता ही नहीं कि उसको क्या करना है। वो कहते हैं ना, बंदे को उस तरह दे दो तो क्या करेगा वो। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, हमारी इंटरनल टेक्नोलॉजी उस प्रोपोर्शन में आगे नहीं बढ़ी है और इसीलिए हम में से ज़्यादा लोग आज के समय में स्टक हो चुके हैं, पता ही नहीं चलता। वो जो कह रहे थे ना, स्क्रॉल करते रहेंगे। एंड वी आर एक्चुअली आउटसोर्सिंग आवर एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन बाय दैट मीन्स नथिंग एल्स। और वो सिर्फ हमारी कहानी नहीं, वो हर एज ग्रुप की, जो कॉर्पोरेट में वो भी कर रहा है, वो हर जगह स्टोरी वही है। रिलेशनशिप में पति पत्नी वही कर रहे हैं, दे आर आउटसोर्सिंग देयर एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन बाय डिफरेंट मीन्स। चाहे वो माइंडलेस शॉपिंग है कि नहीं जी सेल आ गया, जरूरत नहीं है फिर भी चलो वहां पे। बहुत सारे ऐसे माइंडलेस, क्या माइंडलेस स्क्रॉलिंग है आपकी। तो इन चीजों पे थोड़ा ध्यान हमें रखना है। कुछ और सवाल हो तो आप पूछिए। हाँ जी, यस प्लीज प्लीज, बिल्कुल बेहिचक पूछो भाई। जब आपने कहा कि फ्रीडम वो जो टॉपिक था, you see them as like that. Then I'm asking you, what is the space behind that? Haan, that could be relative. Absolutely, freedom could be relative. Uski baat. We're talking about whether how we provide this here freedom. I'm talking about whether this is there in human nature or not. Whether absolutely, absolutely, absolutely. That's the innate nature of human beings. How do you say that? Because the hallmark is that child. That's why I took that example. एक बच्चे को देखो आप, उसके पास फ्रीडम भी है, जॉय भी है। वो बड़े बाप का बेटा है, ऑडी में बैठा है, रोड पे जा रहा है, बाहर एक ठेले वाला हाथ हिला रहा है ना, वो हाथ हिलाता है क्योंकि पिताजी ने अभी दिमाग में ही नहीं डाला कि बेटा तू बड़े बाप का बेटा है, ये छोटा आदमी है, इसकी को रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो लव और फ्रीडम की भाषा समझता है। उसके बाद फिर उसकी प्रोग्रामिंग चेंज की जाती है। यू बिलोंग टू दैट स्टार्टअप सोसाइटी, दीज आर लोअर क्लास पीपल, यू बिलोंग टू हायर क्लास, दिस एंड दैट। सो दैट वी व्हाट वी कॉल सोशल कंडीशनिंग। एक तो बायोलॉजिकल कंडीशनिंग है, दूसरी हमारी सोशल कंडीशनिंग है। अब जैसे आप इंडिया में पैदा हुए, कोई पूछे व्हाट्स योर व्हिच स्पोर्ट डू यू लाइक, तो आप आइस हॉकी थोड़ी बोलोगे ना, आप क्रिकेट ही बोलोगे। तो उसमें आपकी लाइकिंग क्या है? भारत में पैदा हुए तो क्रिकेट ही लाइक करोगे, अगर ब्राजील में पैदा होते तो फुटबॉल लाइक करते। गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? बहुत मतलब बहुत ही क्रांतिकारी आप हो गए बचपन से, तब कुछ अलग होने की संभावना है। अदरवाइज ये संभावनाएं दिखती हैं क्या आपको? नहीं। आज का जो सेशन है ना, इट इज मोर ऑफ अ रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ सेशन। आई एम नॉट हियर टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ज्ञान टू यू पीपल। यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट बिकॉज यू काइंड ऑफ पिक्ड आउट फ्रॉम अ लॉट, सो यू हैव दैट डिसेंसी ऑफ माइंड एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दीज स्टफ। सो आई होप कि मेरा पॉइंट आप तक पहुंच गया। हाँ या ना? हाँ जी सर। सवाल का जवाब नहीं मिल पाया अभी तक? हाँ, थोड़ा सवाल और एलिबोरेट करो। किसी को समझ आ रहा है भाई क्या कहना चाह रहे? हाँ हाँ, थोड़ा सा तेज बोलो भाई। The simple question is, sir, the things that you are mentioning as a fact, but is there any scientific research, is there any experiment, practical findings which can state that these are working at the base on this information? Okay. You audio banda square and the person who is standing at the theory wada, we can respect social relationship, but when it comes to love, can we start to see that there's a construction in thought of 1,000 years now? You have that kind of emotion. लव को फील करने के लिए क्या कोई एम्पिरिकल डेटा की जरूरत है क्या? हाँ यस प्लीज। Because things happen or what, you come to a realization here. It is not that oh, this is empirical data. X happens. Love, yes. People don't work that way. Human emotions don't work that way. We are very complicated individuals, and so we tend to try to figure it out for our words, what they're feeling, the research used. Whether we have turned up for the feeling up for the first time, and things are things, and that better always have to refer to romantic love. Because of the refer to love for one's friends, for one's family, platonic love as well. So you have to It's an internal experience. I can't describe love, what love should feel to you. That is very personal and very private inside. Absolutely. Great. Excellent. I see there's strength, strength to all categories. So because we are not finding that strength, I'm all happy with my understanding. I'm not product categories. I'm interested in my power. Only get that. No, I excited about things. Yes, because you want. That's all. We can have this. We can have some right. Yes. Right. हाँ मैं थी फिर वो हाँ बाद में बाहर पूछते फिर ये तो मुझे बस प्यार का मामला अटक गया राइट हाँ बिल्कुल मैं करियर पे ही आ रहा हूँ अब हम करियर वेल पे आ गए ठीक है ये नॉर्मल सी बात थी देखिए द पॉइंट इज आप अभी तक एकेडमिक एजुकेशन में स्कूलिंग कर रहे हो कॉलेज कर रहे हो हाउ इज इट डिफरेंट लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विज़ावी योर एकेडमिक पढ़ाई लिखाई हाउ इज इट डिफरेंट हाउ डू यू डिफरेंशिएट इफ आई कुड आस्क यू ऑन सर्टेन पैरामीटर्स स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में मेमोराइजेशन पे ज़्यादा जोर है यस और नो हाँ जी 5 ईयर्स कर लो 10 ईयर्स कर लो ये चैप्टर कर लो वो कर लोगे आप बट व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू आर सपोज टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक थिंग्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ दोज अंडरस्टैंडिंग्स एंड अगेन इन अ प्रेशराइज सिचुएशन स्कूल कॉलेज के एग्जाम में टाइम ज़्यादा है क्वेश्चन कम है यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है और टाइम कम है ऑब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग पहले होती है और जो एस्पेक्ट अभी भाई ने एक्सप्लेन करते हुए बताया इमोशनल इंटेलिजेंस भी टॉक ऑफ यस और नो आईक्यू के ऊपर बहुत जोर था शुरुआती दिनों में जिसको ये सारे एग्जाम्स भी टेस्ट करते हैं आपकी जहाँ भी आप MCQs देते हो वो आपकी ऑब्जेक्टिविटी को टेस्ट करता है देन द सेकेंड स्टेज इज योर सब्जेक्टिविटी लाइक पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं एसेज लिखने को मिलता है आपको लेटर लिखने को मिलता है अब सपोज आई गिव यू अ टॉपिक एंड आई से यू आर सपोज टू राइट एन आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वॉट एवर यू विल बी राइटिंग दैट वुड रिफ्लेक्ट यू लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ योर नॉलेज बेस यस और नो योर वोकेबुलरी सेंटेंस स्ट्रक्चर लॉट्स ऑफ स्टफ तो वो सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग है और जो लास्ट पड़ाव है पूरा सब्जेक्टिविटी होता है लाइक GD, PI एंड ऑल So the complete selection process actually tests your objective skills as well as your subjective skills. Subjective skills are tested particularly for those examinations जहाँ पे आपकी leadership role है, जहाँ आप manager बनने वाले हैं या आप army में जा रहे हैं, CDS कर रहे हैं तो army officer बनोगे. SSB 5 दिन की होती है, दिमाग की दही करते हैं वो. You have to take decisions in that particular moment, right? तो वहाँ आप कितना decision ले पा रहे हो ये सारी चीज़ें test होती हैं. यहाँ पे जो areas हैं आपके verbal skills means English language skills. Quantitative ability, it's not typically maths, it's quantitative ability. And then your reasoning power, LRDI, what we call logical reasoning, data interpretation. These are the areas which are tested across the examination. You people might be writing CAT and GMAT in the coming days, right? And CAT is probably the toughest examination of Asia level. और उसी के छोटे भाई होते हैं ये सारे SSC हो गया, banking हो गया, right? So if you have the caliber, आप आसानी से इन exams को crack कर सकते हो. It's not a difficult thing at all. और ये खासतौर से उनके लिए ज़रूरी होता है जिनको शुरू में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आप एक इंडिपेंडेंस चाहते हैं आई स्टिल रिमेंबर एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद टाइम CP सेंटर कनॉट प्लेस वहाँ पे स्टूडेंट एक लेकर आई वहाँ पे उसकी समस्या ये थी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही पास आउट थी अच्छी स्टूडेंट थी UPSC की प्रिपरेशन करी 2 साल फेल हुई उसके बाद CAT की प्रिपरेशन शुरू करी मई जून के महीने में उसके MCAT में मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे थे परेशान होकर के वो मिलने आई बातचीत शुरू हुई तो क्या समझ में आया उसका यही कहना था कि सर मैं आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट इन माई कॉलेज टाइम एंड मेरे पेरेंट्स अभी थोड़े परेशान हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी बहुत काबिल बेटी क्या कर रही है UPSC में हुआ नहीं है मेरे यहाँ पे स्कोर इतने ख़राब हैं CAT में मैंने कहा बैंक PO दे लो और उसका ये भी कहना था कि पाप भैया की शादी तय हो चुकी है अब मेरी शादी का नंबर है तो घर वाले प्रेशर बहुत बना रहे हैं मैं कहा जरा पिताजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनकी बात बिल्कुल ठीक है उनको ये लग रहा होगा कि उनकी बहुत काबिल बेटी पिछले 3 साल से कर क्या रही है क्योंकि समाज आपकी काबिलियत तभी मानता है जब आप प्रूफ करते हैं यस और नो यस आपके क्लोजेस्ट रिलेटिव्स जो हैं पेरेंट्स जो हैं वो भी तभी मानेंगे क्योंकि पेरेंट्स पे भी सोशल प्रेशर है पेरेंट्स का प्यार अलग होगा बट उनके ऊपर भी सोशल प्रेशर वो भी कहेंगे नहीं आपका बच्चा कर क्या रहा है तो ऐसे समय में ये नौकरियां आपके लिए बहुत कारगर होती हैं अभी वो बाहर एक बच्ची का पोस्टर लगा हुआ है अनु वो मेरी स्टूडेंट थी वो 75,000 सैलरी उसको मिली है 22 साल की उम्र है उसकी और हरियाणा के गांव से आती है गांव के स्कूल से पढ़ी है वो हिंदी मीडियम और उसने वो चीज़ अचीव करी है तो ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होता है एंड वी आर वेरी लकी टू प्ले दिस काइंड ऑफ पिवटल रोल इतने सारे लोगों की जिंदगियों में, वो भी जस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं अगर अपनी कंपनी के बारे में बात करूं, वी स्टार्टेड बैक देन इन 2018 and we have done 500 CR business in the span of 5 years without any kind of investment, without any kind of funding. And how did we achieve this? यही social change को लेकर के, because जो tier 5 tier 6 सिटी में बच्चा है जिसको exposure नहीं है उतना, parents किसान हैं या और भी इसी तरह के profession में हैं, उन बच्चों को जब empowerment मिलती है ना तो वो पूरा एक generation आगे चले जाते हैं। वो आज दिल्ली सेक्रेटरिएट में बैठे हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कभी दिल्ली नहीं आए, वो बेगूसराय के रहने वाले वहीं पे रह रहे थे अभी तक। मेरा एक स्टूडेंट दार्जिलिंग का है, वो ट्रैकमैन था, शादीशुदा था, उसका एक बच्चा था, उसने कोर्सेज अटेंड किए ऑनलाइन और वो इस समय सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। पिछले साल 15 सितंबर को दिल्ली आया था और कहा सर DRM साहब के साथ बैठता हूँ मैं, मेरे गांव में पहले कोई सोच नहीं सकता था कि डिविजनल रेल मैनेजर के सामने कोई खड़ा हो सकता है, और मैं जिस गांव से आता हूं वहां क्लास 4 नौकरी भी, सरकारी नौकरी बड़ी चीज मानी जाती थी, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगा कि बिकॉज वी आर क्रिएशंस, वी वांट टू क्रिएट आवर ओन क्रिएशन, कोई और तय नहीं करेगा। समाज खुश हो गया तुम्हें क्लास 4 मिल गई, तुम क्यों खुश हो जाते हो भाई, तुम क्यों खुश हो जाते हो, क्योंकि इस खुशी का अंत तो दिख रहा है ना। जो करोड़ों में पैकेज पा रहा है वो भी दर्द में। तो ये जो गलत यार्डस्टिक्स तय किए गए हैं कि ये पैकेज या ये वाली नौकरी या फला IAS बन जाओ, मैं सभी की बात कर रहा हूं, वो चाहे कॉर्पोरेट से या गवर्नमेंट जॉब है, आप वो काम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपको उसमें मजा आ रहा है। आई एम अ सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई हैव वर्क विद द कंपनीज लाइक टाटा पावर, HCL, SBI, BPCL, आई हैव ट्रेंड अप टू द मिड मैनेजमेंट लेवल ऑफ दोज कंपनीज, माई एक्सपर्टीज इन टू NLP एंड माइंड मैपिंग, बट आई डू दिस थिंग बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट दैट। मुझे पता वहां कॉर्पोरेट्स में इन्हीं बच्चों से निकल के जाएंगे, तो यहां पे ऑनलाइन कोर्स के जरिए हम इतने सारे बच्चों को टैकल कर सकते हैं। अभी कम से कम 12 से 15 लाख एक्टिव बच्चे हैं ऐप के ऊपर, और हमारा जो डाउनलोड है वो 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, और ये बिना किसी, आपको करियर वेल का बहुत एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी है, और ये भी एक स्टार्टअप है। और वहीं पर बाइजूस का भी आप देख रहे हो, NCLT सब कुछ आया ना न्यूज में, तो चॉइस तो हमारी है, दोनों एक ही रास्ते पे चले थे, तो जीवन वही है। अब उस जीवन को आप अवेयरनेस के साथ और अपने तरह से रास्ता बनाते हुए, ट्विक करते हुए भी चल सकते हैं। आप शादी भी करिए, बच्चे भी करिए, अच्छा जीवन भी जीजिए, सुकून के साथ जी सकते हैं। और दूसरा है वो स्क्रिप्टेड लाइफ जो कोई और तय कर रखा है आपका, तो स्क्रिप्ट इसमें ये नहीं करा अच्छा सर आप अब मना कर दिए क्या प्यार करना ही नहीं है, नहीं बिल्कुल प्यार करना है, बट प्यार करना है, प्यार में आप एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, एक दूसरे को एम्पावर करते हैं। तो ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपको भी एम्पावर करे और आप भी उसको एम्पावर करें। यहां तो 2 भिखारी मिलते हैं इस चक्कर में, तुम मुझे पूरा करो मैं तुम्हें पूरा करूंगी। पहले शुरू में वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर फैंटास्टिकली वेल, एंड आफ्टर 6 months आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, वी शुड पार्ट आवर वेज, वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो भाई 2 भिखारियों में तो लड़ाई होगी ना, वो इस चक्कर में मिले तो मुझे पूरा करेगी, मैं मुझे पूरा कहां से करूं, उसके पास खुद नहीं है कुछ, खुद नहीं, वो इसी चक्कर में मिला है। तो आप जिस उम्र में हैं यहां पे खुद अपने आप को पहले एनरिच करो, अंदर से अमीर बनाओ। ये जो भागते रहते हैं ना, इधर भी मिल जाए उधर भी मिल जाए, अपने आप को इतना अमीर बनाओ कि सब तुम्हारे पास आएगा। यू विल हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, भागने का चक्कर छोड़ दो। बात ठीक लग रही है ना, मैं कोई जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा, आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, आपके लिए बात कर रहा हूं। अब जैसे यही बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं ना, क्योंकि एक बार आपका कोर्स पूरा हो गया, सिस्टम समझ आ गया, आपके पास वो अन्नू नाम की लड़की 9 एग्जाम उसने क्लियर किए, 9 एग्जाम्स 1.5 साल के अंदर अंदर सरकारी नौकरी के, एक अंतिम करके उसके 14 एग्जाम्स क्लियर है। SBI ये RBI ग्रेड B क्लियर है, गजटेड पोस्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 days वर्किंग। जाओ ना आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, पेपर जो पूछ रहा है वो प्रिपरेशन करोगे, आपके पास मौके हैं। उसके पिताजी आए थे किसान जो है, वो कहा सर आसपास के ताया चाचा कह रहे हैं, उसका क्लर्क भी क्लियर था कि बेटी को क्लर्क करा दो, पीओ कैसे समझे बनेगी। तो समाज की थिंकिंग है कि समाज लड़की को पीओ बनता हुआ इमेजिन भी नहीं करवा रहा है आसपास का। वो कह रहे जी, ये कह रहे थे ताऊ जी इसके कि क्लर्क ही ठीक रहेगा, पीओ कैसे बनेगी। तो ये कहानी है, कुछ और पूछना है इसके बारे में? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? अब दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद यू ऑल, एंड आई होप कि आगे भी हमें इंटरेक्ट करने का मौका मिले। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन।